सुबह इसमें रोटी लगती है जी, शाम को इसमें कबाब लगते हैं। दादी आपको गर्म ही लग रहा है? नहीं, ये हाथ हो गए जी, काम करते करते पक्के हो गए जी हाथ। ये देसी दाल है जी, ये मतलब कि असं पालश वाली दाल नहीं यूज़ करते, ये देसी दाल है। काम बहुत पहले एक करते आ रहे हम, सिंगल एक किरण सिनेमा होता था तब उसमें गूंगी फिल्में चलती थी। अच्छा, तब से पिताजी काम करते आ रहे हैं। ढाबा टाइप था, स्टॉल जैसे होता है, उसमें जैसे मीट चावल हो गए, तंदूरी रोटी होगी और दाल चावल, ये चखा गया। उसके बाद चेंज हुए, हमको जगह मिल गई जी, वो मार्केट बनी थी अरोमा के साथ, वहाँ पर चलता रहा काम, यही जी चलता रहा। तब कबाब बनाते थे हम, वहाँ कबाब ये होते थे टिक्के चाँप बोलते थे, तवे पे बनते थे वो पहले, वो चलता रहा काफ़ी देर, वही चलता रहा, चलता चलता आगे इस रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। ये बारबेक्यू मशीन है जी, ये विद स्किन चिकन बनता है, ये आप तो कोई मसाला नहीं लाते, खाली नमक है और लहसुन है। अच्छा, हाँ जी, बस यही है। नहीं नहीं, कोई इसमें कलर यूज़ नहीं करते हम, कोई इसमें कुछ नहीं, इसीलिए इसको हेल्थी चिकन बोलते हैं। इसकी स्किन से अपने आप ऑयल निकलता है। अच्छा, ये देखिए स्किन से अपने आप ऑयल निकल रहा है, स्किन से ऑयल निकल रहा है। जब ये ऑयल सूख जाएगा तो चिकन तैयार होके ऐसा बन जाएगा। ये लेवल वन है? हाँ जी, ये लेवल वन है, जब हम पीछे से लेके आते हैं इसको, उसके बाद ये कलर इसका चेंज हो जाता है। बस नमक और गार्लिक आप लगाते हो और इसको ऐसे चढ़ा देते हो, ये अलग अलग लेवल्स पे ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा जी, ये रेडी है। बारबेक्यू चिकन भी ऐसे ही शुरू किया, ये साथ में मेरे थे हैप्पी कॉब आए थे, उन्होंने शुरू किया था, तो मैं रातों रात भागा यहाँ से, दिल्ली गया, दिल्ली से मशीन लेके आया, मशीन लेके आप ही लगाया इसको। इसके सेक मेंटेन करना होता मेन, इसका सेक मेंटेन जिसने कर लिया तो उस समय लोग की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बच्चे आजकल के ये बहुत खुश होकर खाते हैं, उनको बहुत, बाकी जो हम चिकन लगाते हैं, जितना भी चिकन लगाते हैं हम इसको फ्राई पैन में तैयार करते हैं, इसके लिए हमने बड़े तवे रखे हुए हैं, तवे ऊपर हम ग्रेवी को तैयार करके उसी के ऊपर ये ही तैयार करते हैं। ये तवा जी घट बने तो 100-150 किलो का होएगा तवा, क्योंकि ये माल सड़ता नहीं, चार लोग उठाते हैं जी इसको, जितना मोटा तवा होगा उसका उतना ही फायदा होता है, जबकि काम पे लगे हैं कब से पास चलता आ रहा है। ये बोनलेस मसाला चिकन बोनलेस बन रहा है, जो फ्राई पैन में बनाते हैं उसमें फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल, खुरचन है जी तवा चिकन, मेन एक खुरचन ही होती है, जिदा अभी दुध काटते हैं, दूध की मलाई आती जाती है उसको काटते जाते हैं, सेम चीज़ ये भी वो ही होंगी है। हाँ जी सर, हाँ जी, बोनलेस है जी, ये तैयार हो गया जी, कढ़ाई चिकन है जी। अच्छा जी, हाँ जी, तो कढ़ाई चिकन बनाने के लिए तड़का अलग तैयार रखा होता जी, ये जी शिमला मिर्च है जी, प्याज मोटा प्याज है, मोटी शिमला मिर्च है, वाँ 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 वाँ। और लहसुन तो वो है जी, अदरक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं रिफाइंड है जी, फॉर्चूनर है जी। हाँ जी, तो कढ़ाई चिकन बन गया जी, ये चिकन है, कढ़ाई चिकन बन के तैयार है, कढ़ाई चिकन बोनलेस, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, दी अरोमा इज मैजिकल, और जो शिमला मिर्च और लहसुन जो आपस में घुल मिल गए ना यहाँ पे, ये गाढ़ापन देखो यार इसका, ओ हरिया धनिया, नेक्स्ट लेवल स्टफ। ये चिकन तैयार है जी, ये आपका चिकन बन के तैयार है जी। पापा जी, एक साडा ब्लैसिंग है जो सानू फादर साहब तो मिली है, फादर साहब का नाम वैसे सरदार दलवीर सिंह, जो दुकान पर बैठते सी तो हर कोई जो कस्टमर आता, पापा जी की हाल चाल है, पापा जी की हाल चाल है, तो असी नाम लभते फिरते थे दुकान का, तुहाडे वर्गे सज्जन आए गल हुई, कहते नाम तो तुहाडे सामने बैठा होया, तुसी की नाम लभदे, ओ फिर पापा जी। जैसे ये रोस्टर चिकन आप देखोगे पीछे बन रहा है, आप इसमें भी देखेंगे कि आपको इसमें भी कलर कोई आपको नज़र नहीं आएगा, खाली इसको मसाले जो लगते हैं वो मसाले हैं, ये रोस्टर चिकन है, ये जूसी रहता है, और जो मसाले होते हैं इसके, मसाले इसके जो अंदर तक जाते हैं इसके, इसमें गार्लिक है, जिंजर गार्लिक है, और नमक है, मिर्ची है, बस यही है। इसको मैरिनेशन ज़्यादा देर तक गया, जैसे हम इसको चेंज करते हैं तो कलर चेंज हो रहा है, वो इसमें कलर नहीं है बिल्कुल भी, जैसे आपने देखा होगा लोगों ने लाल रेड किए होते चिकन जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो रेडनेस थी ना वो इसके मसालों की होती है, ना कि कलर की। आपको सही बताऊँ तो जो हमें सही सिखाने वाला, ये जलंधर से एक काका चिकन वाले आए थे, उन्होंने काम शुरू किया था, तब हमारा काम कबाब का था, जो टिक्के और चाँप बनते थे तवे पे वही बनाते थे। तो ये नई आइटम, एक रोस्टर चिकन आया बाज़ार में, कस्टमर का ध्यान उधर चला गया कि ये चीज़, तो हमने भी काम जब कम होता देखा तो भाई देखे भी क्या चीज़ है, तो देखा दूर से वाच किया कि ये ऐसे ग्रिल बनाया उन्होंने, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो दूर से देख के हमने वैसे ग्रिल तैयार की, और रोज़ रात को यही सोचता था कि यार क्या करूँ, कौन सा कैसे करूँ,
और वो चेंजिंग होती थी सुबह आके ऐसे करो ऐसे करो, यहाँ तक कि जो चाट मसाला MTH का वो भी मैंने आप ही पीसता था। उसको क्या करना, काला नमक लेके आना, दूसरा नमक डालना या आमचूर डालना, इलायची डाल के अच्छी तरह करके उसको कपड़ छान करके वो इतनी डब्बी में रोज़ लेके जाता था। उसके बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई कि फिर 20 से 50, 50 से 100 मतलब कि बढ़ते गए। हम दादी आपको गर्म नहीं लग रही? नहीं, ये हाथ हो गए जी, काम करते करते पक्के हो गए जी हाथ। कैमरे नू गर्म लग गया सर, थोड़े हाथ में। हाँ देखो जी, क्या करते रही जी, काम करते करते हाथ भी वैसे हो जाते हैं जी। हाँ दो जी, ये देखो, हमें नहीं लगता आपको लगेगा, तो हमें नहीं लगेगा। कस्टमर चॉइस भी रखी हमने एक, इसमें कस्टमर कोई भी पीस अपने खा सकता है चॉइस से। किसी को लेग पसंद है वो लेग ले लेते हैं, किसी को चेस्ट पसंद है वो चेस्ट खा लेते हैं। जो हमारी तपस्या यही है, सुबह आते भगवान का नाम लेके आके बैठ जाते हैं, किसी से गलत नहीं करना, किसी को गलत चीज़ नहीं देनी। ये मेरा 21 साल में यहाँ पे 21 ईयर हो गए, तो आज तक कस्टमर ने ये नहीं बोला कि वहाँ से कोई हमें गलत चीज़ मिली। इसको आप देखना पड़ता है, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती आप उसको उसी टाइम उठा सकते कि भाई ये चाहो, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे विश्वास लोगों का बना हुआ है कि नहीं पापा जी जाएंगे तो वहाँ पे हमें गलत चीज़ नहीं मिलेगी। ये है जी ग्रेवी, जिसे तो आप चिकन तैयार करते हैं जी, कोई ये कलर यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ जी, बेस ग्रेवी है, ये भी ग्रेवी तैयार है जी, ये भी ग्रेवी है जी। सेम है? हाँ जी सेम है ग्रेवी जी, सेम ग्रेवी। हाँ जी, ये चिकन तरी वाला बनता है जी इसका जी। ये तरी वाला चिकन है जी, जैसे घर में हम खाते हैं जी जी। वैसे ये तरी वाला चिकन बन रहा है जी। ये सर क्रीम चिकन है जी, ये है जी यहाँ का क्रीम चिकन। हाँ जी, और भाई साहब ये कलर चेक करो, एकदम गाढ़ा। ये भी आप सर रेडी करके रखते हैं? नहीं जी नहीं, ये तैयार करना पड़ता जी जी, मतलब थोड़ा हाफ डन करके। हाँ जी, हाफ डन करके रखा हुआ है जी, कस्टमर पड़ते साथ के साथ देना पड़ता जी। ये आपको जूसी मिलेगा। 21 साल से इधर ही बैठ रहा, मैं हर कस्टमर से, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं हर कस्टमर से मिलूँ, उनसे उसका टेस्ट पूछता हूँ। कई कस्टमर अब ऐसे हैं कि मुझे दूर पता चल जाता है कि इन्होंने ऐसा खाना, तो मैं इंटरकॉम से पीछे बोल देता हूँ कि भाई इस टेबल का ना इस तरह से बनाना है, इसका तीखा बनाना, तो मैं उनको बोलता हूँ, उनको वो टेस्ट मिल जाता है। तो ये मेरे बैठने का यही है कि मैं हर कस्टमर के साथ अटैच में रहता हूँ। गर्मी नहीं लगती? नहीं, यहाँ पे मैं गर्मी में भी बर्दाश्त करता हूँ, सर्दी इतनी होती है तब भी मैं यहीं पे बैठा होता हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिलता। और ये मतलब कस्टमर इंटरेक्शन है या वैसे ही मतलब आपका मन भी लगता है? नहीं, कस्टमर के साथ दिल लगा रहता है, एक कस्टमर के साथ की हंसी मजाक हो जाती है। दुकानदार वही है जो कस्टमर को बांध के रखे, कैसे बांध के रखेगा, अगर यहाँ पे 10 कस्टमर खड़े हैं तो मजा तो उसी में कि सबको दिल रखे, सबसे अच्छी बात करें। ये दो तंदूर ने जी, ये सुबह चलता है, सुबह चल के शाम में इसमें कबाब लगते हैं, क्योंकि इसका सेक है, हमें जो सेक चाहिए वो ठंडा चाहिए, मीठा सेक चाहिए, तो शाम के लिए वो रोटी के लिए वो तंदूर तैयार हो रहा है जी, उसमें शाम को रोटी लगेगी, और सुबह इसमें रोटी लगती है जी, शाम को इसमें कबाब लगती है। ये दाल मखनी है जी, हाँ देखो जी थिकनेस जी, दाल मखनी। हाँ जी, ओहो, ये आपने मतलब ये देसी दाल है जी जी, ये मतलब कि असं पालश वाली दाल नहीं यूज़ करते, ये देसी दाल है। वाह, हाँ जी। किन्ने घंटे पकती है सर ये दाल? सवेरे नूं 3-4 घंटे लगते जी। 3-4 घंटे? हाँ जी, ये सवेरे 6 बजे रख दी है कि दाल के 10 बजे ना फिर तो बाद चो तेन तड़के तुड़के लगते। आज देखिए ना ये कट करके सारा जी जी, अजकल टमाटर जोड़े आ रहे हैं बहुत लाल आ रहे हैं जी, ये करके आ देखो जी, छोटी सी जगह पर चलते थे उन्होंने कम से कम 400 आइटमें उसमें डाली होती हैं मेन्यू में, ये भी हमने सिर्फ उतना ही रखा है कि जो मतलब कि हम दे सकते हैं, ओवर लिमिट नहीं है, जो दे सकते हैं, जो हमारा प्रोफेशन पुराने से पुराना चलता आ रहा हम वही दे रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं किया हुआ। एक क्रीम पैन लगी जी जी, एक क्रीम दे देसी घ्यो निकलेगा जिसे चिकन बनूंगा जी। हाँ जी हाँ जी, तवे के ऊपर इतनी सारी क्रीम आ गई और सरदार जी बोल रहे हैं कि ये जो है ना इसका देसी घी निकलेगा और इसी में चिकन बनेगा। ये आ गया जी प्याज, उबाले मार दिए जी क्रीम, क्रीम का कलर जो है वो धीरे धीरे बिकॉज पक रही है क्रीम तो उसका कलर बदल गया, जितना बर्फी होती है ना। हाँ जी हाँ जी, बर्फी वाला कम हो गया। ये आ गया जी लहसुन, ये है जी फ्रेश चिकन टिक्का, मतलब आपने थाई के पीसेस रखे हुए हैं जी, ये क्रीम में ही फ्राई होगा। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है। ये देखो क्रीम में फ्राई होगा, इसी में मसाले सारे फ्राई होंगे, रेड चिली है जी, गरम मसाला जी, नमक है जी, ये मेथी है जी, कसूरी मेथी और कसूरी को तलियों से सेक के, और अब ये जो प्याज साइड में रखा हुआ था ये आ गया सीधा रेसिपी थोड़ा सर, तंदूरी है। हाँ जी हाँ जी, ये स्पेशल थोड़े वास्ते बनाने लगा जी, क्योंकि कस्टमर को इतना टाइम नहीं होता कि ये वास्ते वेट करे। ये कुछ चीज़ा है जिहड़ियां साढ़े पुराने टाइम चलदियां सी। अच्छा जी, उदों तवे ते कस्टमर को बहुत टाइम हुंदा सी जी जी जी, आराम नाल। हाँ, लोकी कहते जी, हाँ पेशेंस,
हूँ जेडे चिकन असी 40-50 चिकन लाई दे उस टाइम सिर्फ 10-15 चिकन ही लगते थे लोगों को इन्ना पेशेंस होता सी ते हुण तो पे है कि उस हिसाब से रेडी तैयार करना पैंदा सारा। हाँ जी हाँ ये अदरक है जी जी ये टमाटर है जी जी ये हुण टमाटर नाल भुने जाणगे। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी आ टमाटर देखो ना ये नाल नाल टमाटर भुने गए। वाह जी वाह कोई ये अलग कोई गलत चीज़ कोई भी नहीं है जी। ये आ गया जी पानी जिन्ना भी प्याज सी जिन्ना टमाटर सी सारा बिच मसाला बन गया जी। और ये आ गया जी अदरक ये अदरक तां बाद च पाया ये हल्का हल्का मूँह च आवे ये आप जिन्ना भी भुनिया ना असी इनू डीप फ्राई नहीं किया प्याज भी ब्राउन नहीं किया टमाटर पाया अदरक लसन पाया ब्राउन नहीं किया असी इन्हां सब्जियां दा जूस कढ़ना इन्हां दा पल्प लैना जूस लैना अगर आपां नूं फ्राई कर दांगे ना तो वह चीज़ नहीं निकलेगी ये फ्रैश सब्जी का मजा ही यदा आएगा कि यहाँ पल्प जरा निकलूगा ना हूँ आस्ता आस्ता भुन भुन के पल्प निकलना तो वो सब्जियों का ही टेस्ट आऊगा। हरिया धनिया स्पेशल चिकन टिक्का मसाला आ गया जी सीधा एक बहुत ही बढ़िया सी प्लेट के अंदर किश्ती प्लेट के अंदर किश्ती टप होंगे जी। हाँ जी हाँ जी अंदर सर्व करांगे जी। वाह हाँ जी आज का जो स्वाद बटांदर है ना इसका बेस्ट पार्ट ये है कि सरदार साहब खुद हमारे साथ। वैसे मैंने सुना कि जो हलवाई होता है मिठाई अपनी नहीं खाता। नहीं इतना कोई गल नहीं जी असी स्वाद ना खाईदा। क्या बात बचपन तो खाते आ रहे हैं जी। ये है कि कपैसिटी जी है टैंक की जी वह घट गई है बाकी मन नहीं मरिया जी क्या खा रहे हैं। ये है जी बारबेक्यू चिकन इसका मैं सबसे पहले तो भाई साहब लेग पीस देता हूँ लोग कितना जूसी लग रहा है यार ये अमेजिंग यार टेंडर एंड जूसी। ये है आपका बारबेक्यू चिकन जो यहाँ का बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड नमक गार्लिक चिकन स्किन दैट्स इट यहाँ का मोहाली का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो हियर्स अ बाइट। शायद ऐसा बारबेक्यू ही नहीं खाया यार कभी। ओहो और जिहड़ी उहदी स्किन मेल्ट हुई है ना जी वो एडी स्वाद लगन लग गई ना। वाह चिकन फैट में बना हुआ इतना प्यारा द जूसीएस्ट लेग पीस आई हैव एवर हैड बहुत बढ़िया यार। ये जो बढ़िया सी एक रेसिपी बनाई है सरदार जी ने सर आप लो प्लीज आप लो। हाँ जी लो जी चिकन टिक्का मसाला सरदार जी का स्पेशल ये साथ में आ गए जी प्याज ये आ गई जी आपकी हरी चटनी ये आ गया जी लोही परौंठा ये आ गया जी आपका लाहौरी पराठा पुरकी तोड़ो जी तो आ लो जी ये वाह कितना था बढ़िया सर। क्या बात बढ़िया जी 10 चो कितने नंबर है सर 10-10 ही। क्या बात है जी क्या बात बहुत अच्छे मज़ेदार चीज़ है ये एंड अब मैं ट्राई करता हूँ। ये है जी लाहौरी पराठा जो सरदार जी बोल रहे थे ये एक तरह से मट्ठी है और पराठा भी है नमक और मिर्च वाला पराठा ऊपर अजवाइन भी लगी हुई है और धनिया लगा हुआ है और मक्खन है जी और लच्छेदार पराठा है। हियर इज अ बाइट ये देखो जी ओए होए 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 ये नेक्स्ट लेवल है मतलब ऐसी चीज़ खाई नहीं होगी कभी जो चिकन टिक्का जो मसाला बनाया ना इन्होंने उसमें गार्लिक का ही कितना प्यारा फ्लेवर आ रहा है क्योंकि गार्लिक ना सरदार जी ने कच्चा कच्चा छोड़ दिया था उसका जो रस है वो लेना है गार्लिक का रस धनिए का रस प्याज लहसुन टमाटर अदरक गार्लिक और लहसुन मैंने दो बार बोल दिया क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ रहा है जो क्रीम का मक्खन निकला है ना या क्रीम का जो घी बन गया था आई थिंक दिस इज़ हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज आई हैव ट्राइड इन पंजाब। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम आपको मिलते हैं जी अगली वीडियो में तब तक के लिए जिंदाबाद रहें साड़ियाँ यारियाँ तो जोदा हसदा तो बसदा रहे साडा पंजाब नाले साडा हिंदुस्तान जय हिंद।